मैं भारत सिंह चौधरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा हिमाचल प्रदेश आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल सरकार और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि चंगर माध्यमिक सिंचाई योजना जो कि काफी समय पहला 100 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी, ये स्कीम पूरे चंगर क्षेत्र के किसानों की जमीन को पानी की सिंचाई व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्कीम के अंदर जो वर्कर आउटसोर्स द्वारा रखे गए हैं ठेकेदारों के पास, उनको पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। आज वो बेचारे बहुत बड़े घोर संकट का शिकार है। हमने लगातार प्रशासकीय अभियंता बिलासपुर और प्रशासन के नोट्स में लाया कि इन मजदूरों को फौरी तौर पर उनका जो बढ़ता वेतन है वो दिया जाए। यही नहीं, इन मजदूरों को वेतन ना मिलने के कारण सिंचाई की जो व्यवस्था है यहाँ पर वो चरामर गई है और किसानों को समय पर जमीन को पानी नहीं मिल रहा है और किसान समय पर अपनी गंदम की जो बिजाई वो नहीं कर पा रहा है। इसके चलते हुए तमाम किसानों में व्यापक रोष पाया जा रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा किसानों की समस्या को लेकर और मजदूरों के वेतन को लेकर के 7/11/2023 को बसी उपमंडल के समक्ष एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी और जोरदार मांग करेगी सरकार और प्रशासन से कि मजदूरों को उनका वेतन जो है वो इमीडिएट रिलीज किया जाए और इस पानी की स्कीम को सुचारू रूप में चलाया जाए ताकि किसानों को सुविधा प्रदान की जा सके।